राधे 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 श्यामा राधे श्यामा। राधारमण गोविंद कन्हैया मनमोहन नंद लाल हे गिरधारी ग्वाला। राधारमण गोविंद कन्हैया मनमोहन नंद लाल कन्हैया लाला।
के प्राण से वशिष्ठ पैदा हुए थे। प्राणात् वशिष्ठ संजातो, इसलिए वशियों में संयोमियों में ये सबसे श्रेष्ठ हैं। वशिष्ठ जो वशी लोगों में से श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी भी जगत पिता हैं, संयमियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये बात अवश्य है कि उनके ऊपर एक कलंक है, वे अपनी पुत्री के लिए दौड़े थे तो वो उनकी भूल नहीं थी, उस शाप के कारण ऐसा हुआ था, नहीं तो ब्रह्मा जी संयमियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत है।
श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है, नभारती मेंग मृषोपलक्षते न वै क्वचिन मे मनसो मृषागति। दूसरे स्कंद में छठवें अध्याय में उन्होंने कहा है, हे नारद, मेरी वाणी कभी मिथ्या आलाप नहीं करती है। नभारती मेंग मृषोपलक्षते नमे व न वै क्वचिन मे मनसो मृषागते। हमारा मन कभी मिथ्या संसार वासनाओं में नहीं जाता। मृषागति, भगवान को छोड़ करके अन्य बातों को सोचना, ये मृषागति है। नमे ऋषि काणि पतंत्य सत्पथे। हमारी इंद्रियां कभी भी असत मार्ग, विषय मार्ग में नहीं जाती हैं। यन्मे हृदय उत्कंठवता धृतो हरि, क्योंकि हमने बड़ी उत्कंठा के साथ भगवान को धारण किया है। जब मनुष्य भगवान को धारण कर लेता है तो सांसारिक जितनी भी दौड़ हैं वासनाओं की खत्म हो जाती हैं। तावत् भयम् द्रविड़ गेह सुरिन निमित्तम् शोकस्प्रिया परिभवो विपुलश्च लोभः। तावन्ममेत्य सदवग्रहार्तिमूलम् यावन्नतेङ्ग्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। ये ब्रह्मा जी ने तीसरे स्कंद में भगवान की स्तुति में कहा है, जब तक भगवान का वर्ण नहीं होता है अपनी वृत्तियों में, तभी तक जीव को भय, सबसे बड़ा भय काल, काल का भय, कर्म का भय, गुणों का भय। तावत् भयम् द्रविड़ गेह सुहृन् निमित्तम्। द्रविड़ पैसे का, पैसे का भय, गेह घर का भय, सुहृत परिवार के जनों में कोई बिछड़ न जाए,
ये जितने भय हैं, तावत भयम द्रविड़गे है सौरिन्निमित्तम शोकस्प्रिहा परिभवो विपुलश्च लोभः। शोक, दुख किसी प्रकार का, स्प्रिहा इच्छाएं, विपुलश्च लोभः अनेक प्रकार के लोभ, और सबसे बड़ा दुख होता है ममता का। तावन ममेति असत अवग्रह आर्ति मूलम यावन तेंग्रिम अभयम प्रवणीत लोकः। जब तक जीव आपके अंग्रि मने चरण कमल का वर्ण नहीं करता है, ये नौवें अध्याय में तीसरे स्कंद में है, नौवां अध्याय है, ठीक है। जिस समय भगवान के चरणों का वर्णन कर लेता है, उस समय उसका भय समाप्त हो जाता है। ममताएं परिवार की, कुटुंब की खत्म हो जाती हैं, क्योंकि उसका एकमात्र संबंध भगवान से जुड़ जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी वशियों में श्रेष्ठ हैं, और उनके प्राण से वशिष्ठ पैदा हुए, प्राणाद वशिष्ठ हो जाता, प्राणाद वशिष्ठ संजातो। तो वशियों में श्रेष्ठ होने के कारण इनको वशिष्ठ कहा गया। कर्दम प्रजापति की कन्या अरुंधति इनकी धर्म पत्नी है, जिनका हमने थोड़ा सा चरित्र सुनाया था। वो पानी ले जा रही थी, सूर्य इंद्र अग्नि भी उस घड़े को नहीं घर पाए। वो अपने अकेले सतीत्व के प्रभाव से भर देती थी। वशिष्ठ जी की पत्नी कर्दम की पुत्री अरुंधति इनकी स्त्री हैं। ब्रह्मा जी ने इनको सूर्य वंश का पुरोहित बना दिया था। लेकिन इन्होंने सोचा पौरोहित्य कर्म निंदित होता है, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझा और समझाया कि कोई भी कर्म निंदित इसलिए होता है कि भगवान से विमुख कर देता है। जो कर्म भगवान से मिला देता है वो सबसे प्रशंसनीय है।
प्रथम स्कंद के अंदर पांचवें अध्याय में ये बात कहा गया, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्यव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे ययात्मा संप्रसीदति। सबसे बड़ा धर्म वही है, परम धर्म, जिससे भगवान की भक्ति मिल जाए। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान में भक्ति मिल जाए। हैं, और भक्ति कैसी, अहितु की, एक दो छः, अहितु की कोई मतलब की कामना की भक्ति नहीं, अव्यवहित जो सदा चलती रहती है, रुक जाती है, वो भक्ति नहीं है। यह आत्मा संप्रसीदति, जिससे मन निर्मल हो जाता है। और भगवान में जब भक्ति होती है तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, वो अपने आप आ जाते हैं। सातवां श्लोक 1-2-7, वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहैतुकम्। कोई कहे ये बड़े भक्त हैं, बड़े लोभी हैं, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। और उसको भगवत तत्व का अपने आप ज्ञान हो जाता है। वैराग्य अपने आप हो जाता है। भक्त संग्रही नहीं होता है, और है तो उसमें भक्ति नहीं है। भक्ति है तो ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएंगे। ये श्लोक कई जगह आता है। तीसरे स्कंद में भी यह श्लोक आता है। तीसरे श्लोक में 29वें अध्याय में यह श्लोक आता है दोबारा। वासुदेव, हाँ, 32वें अध्याय में, तीसरे स्कंद में 32वें अध्याय में यही श्लोक आता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जन्यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद् ब्रह्म दर्शनम। वैराग्य नहीं है तो भक्ति नहीं है, लोभी है तो उसमें भक्ति नहीं है, दोनों चीज एक साथ नहीं रह सकती हैं। इन सब सिद्धांतों के अनुसार
ब्रह्मा जी या वशिष्ठ जी परम भक्त होने कारण ये पूर्ण संयमी हैं और इन्हीं की कृपा से अरुंधति परम सती बनी, जो पूर्व जन्म में संध्या थी, ब्रह्मा जी की मानस कन्या थी, दूसरे जन्म में ये अरुंधति बनी और पूर्व जन्म में वशिष्ठ जैसा गुरु मिला था, यथा गुरु तथा शिष्य। तो ये भी परम सती बनी। वशिष्ठ जी के बारे में लिखा है गोसाई जी ने, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई सोटारी टेक जो टेकी। ब्रह्मा की गति को इन्होंने रोक दिया, इतनी इनमें सामर्थ्य थी। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, ब्रह्मा की गति को इन्होंने रोक दिया। सकई कोटार टेक जो टेकी, जो इन्होंने टेका हट किया उसको कोई टाग नहीं सकता था। ये बात भागवत में भी आती है, वैवस्वत मनु, सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु, इन्होंने पुत्र की इच्छा से यज्ञ किया और किंतु यजमान की जो स्त्री थी सूर्य की, उन्होंने पुरोहितों को मिला लिया। वो लड़की चाहती थी, लड़की गृहस्थ के काम में मदद देती है, रसोई पानी, लड़का तो कुछ नहीं करता। वो चाहती थी लड़की, तो उन्होंने संकल्प लड़की का बुलवाया, यज्ञ से ईला नाम की लड़की पैदा भई। जब ईला पैदा भई तो मनु ने पुरोहितों से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो समझ गए कि पुरोहितों को लोभ दिया गया और लोभ के कारण ऐसा हुआ है। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि हम तो पुत्र चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने शिव आराधन के बल पर इला को लड़का बना दिया, सुद्युम्न। वो लड़का बन गया। ब्रह्मा ने लड़की बनाया था, उस लड़की को लड़का बना दिया वशिष्ठ जी ने आराधना के बल पर। लेकिन होनहार
वो उस वन में पहुंच गया जहां शंकर जी का श्राप था कि इस वन में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। एक बार वो पार्वती के साथ विहार कर रहे थे तो अचानक ऋषि लोग पहुंच गए, तो उन्होंने नियम बना दिया इस हमारे बिहार वन में कोई भी आएगा वो स्त्री बन जाएगा। तो उस वन में ये वैवस्वत बनु का पुत्र सुद्युम्न पहुंच गया। सुद्युम्न पहुंच गया और स्त्री बन गया। फिर वो गए शिव जी के पास, उन्होंने कहा अच्छा एक महीना स्त्री रहेगा एक महीना पुरुष। ये और गड़बड़ हुआ, न पुरुष न स्त्री। तो इसलिए वशिष्ठ जी ने ये ब्रह्मा के विधान को बदल दिया था। महाराज रघु दिलीप के पुत्र जिससे रघुवंश चला है, इनके लिए भी ब्रह्मा ने लिखा था इनका जब विवाह होगा सातवीं भावर में सिर फट जाएगा। ये योग था उसमें। उसको बदल दिया इन्होंने ब्रह्मा जी के विधान को। छह भावर सीधी करा करके एक उल्टी करा दिया, सातवीं नहीं आई और ब्रह्मा जी का विधान बदल गया। तो सो गुसाई विधि गति जही छेकी, सकई को टारी टेक जो टेकी, या राम भगत का कर न सकाही। भगवान का भक्त क्या नहीं कर सकता, ब्रह्मा के विधान को बदल देता है। दशरथ जी के भाग्य में कोई संतान नहीं थी, उन्होंने चार पुत्र होने का आशीर्वाद दिया, धरऊं धीर होइय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। दशरथ जी से कहा कि तुम धैर्य धारण करो, तीनों लोकों में प्रसिद्ध तुम्हारे चार संतानें होंगी। एक बार वशिष्ठ जी से विश्वामित्र जी टकरा गए, विश्वामित्र जी क्षत्रिय राजा थे, वे वशिष्ठ के आश्रम में एक बार सेना के साथ गए। कपिला, गोमाता, कामधेनु वो इनके आश्रम में थी और इन्होंने बोले माता पूरी सेना आ गई है, इन सब का आतिथ्य करना है। गोमाता ने हूं किया,
ठीक है, इनको निमंत्रण कर दो। विश्वामित्र उस समय राजा के रूप में थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आपका निमंत्रण है। राजा ईश्वर का रूप होता है, हमारे आश्रम में आप आए हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि ऋषि, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ सारी सेना है, चतुरंगिणी सेना, हाथी, घोड़ा, ये सब हैं। विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी बोले, राजन, हमारी गौ माता सब अकेले ही काफी हैं, उनकी तरफ से आतिथ्य सबका होगा। विश्वामित्र आश्चर्य में हो गए, एक गाय पूरी सेना का, हजारों लाखों लोगों का, और चतुरंगिणी सेना, घोड़े, हाथी, ऊंट, इन सब का प्रबंध कर देगी। वशिष्ठ जी बोले, राजन, ये कपिला गौ कामधेनु है, इसमें सब शक्ति होती है। विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, सेना को आदेश दिया कि आज तुम्हारा आतिथ्य एक साधु के यहाँ है, देखो क्या आतिथ्य करते हैं, देखना है। सब बैठ गए, हजारों लाखों लोग बैठ गए, पंगत लग गई, और विश्वामित्र जी ने देखा न कहीं पूड़ी है, न लड्डू है, न पापड़ है, न कुछ है, न थाली है, न लोटा है, न गिलास है, न कटोरी है, न कटोरा है, और कहीं कोई सामान दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये कहाँ से आएगा। लेकिन चलो देखना है, वशिष्ठ जी ने कहा है। परसने वाला भी कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, और परसेगा तब जब सामान होगा, तब लाखों लोगों का सामान है, कई गाड़ी, कई ट्रक हो तो काम चलेगा, ये कहाँ से आएगा। लेकिन ऋषि ने कहा है, सब लगा लो पंगत, बैठ जाओ। सब बैठ गए, और वशिष्ठ जी ने जा कर के कपिला गऊ से हाथ जोड़ा, बोले, माता, अब पंगत प्रारंभ हो जानी चाहिए। इतना कहते मान हजारों थालियां निकली एक साथ, और बिना परसे ही सबके आगे जाकर के उड़ उड़ के पहुंच गई, और एक क्षण भी नहीं लगा, और एक एक थाल में दिव्य पदार्थ, खुरमा लो, लड्डू लो, पापड़ लो, मोती चूर लो, चूरमा लो, यानी कितने पदार्थ, और सब लोग आंख फाड़ के देखने लग गए, ये क्या हुआ। परसने में देर नहीं लगी, उड़ती चली जा रही थाली, और सब ने भोजन किया, और तृप्ति के साथ भोजन किया, ऐसा भोजन कभी नहीं किया था।
देख करके विश्वामित्र आश्चर्य में हो गए हैं। ये गैया तो हमारे पास होनी चाहिए, लाखों लोग सिपाही हैं, ये आ जाए तो बड़ा आनंद है, किसी को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। उन्होंने कहा वशिष्ठ जी से, ये गाय आप हमको दे दीजिए। वशिष्ठ जी बोले कि राजन, गौ माता की अगर इच्छा हो तो चली जाए, इसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ रहे, मैं इसको देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये तो हमारी इष्ट है, इसकी सेवा मैं करता हूँ, मैं सेवक हूँ, और इसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं कर सकता मैं। सेवक वही है, सेवक सदा स्वामी रुचि राखी, जो स्वामी की रुचि के अनुसार चलता है। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे कपिला, तुम हमारे साथ चलो। गाय ने सिर हिला दिया, नहीं। विश्वामित्र राजा थे, बोले मैं राजा हूं, राजा की आज्ञा माननी चाहिए। तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कपिला ने मना किया। विश्वामित्र ने कहा, सिपाहियों बांध लो इस गाय को और ले चलो, राजा हैं, राजा की आज्ञा है। सिपाहियों ने बांध लिया और गाय बोली वशिष्ठ से, ऋषि आप मुझको दे रहे हैं? बोले नहीं माता, मैंने दिया नहीं है, तुम्हारी जहां इच्छा हो रहो। तो ये मुझे शक्ति के साथ नहीं ले जा सकता, उसके शरीर से तमाम सैनिक प्रकट भए और विश्वामित्र की फौज को धुनने लग गए। विश्वामित्र ने दिव्य अस्त्र प्रकट किए। अस्त्र और शस्त्र में फर्क होता है। अस्त्र पुराने जमाने में थे, मंत्र से चलते थे और मंत्र से लौट आते थे। शस्त्र मंत्र से नहीं चलते हैं, चल गए तो चल गए, लौटेंगे नहीं। जैसे बंदूक, गोली, तोप, आजकल जितने भी शस्त्र हैं ये मंत्र से नहीं चलते हैं। मर गया तो जिला नहीं सकते हो, अस्त्र में सब शक्ति होती है, नौटालने की, जिलाने की। तो विश्वामित्र जी ने दिव्य अस्त्र के ज्ञाता थे, प्रकट किए, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र। अग्नेयास्त्र से अग्नि प्रकट हो गया, वारुणास्त्र से जल, पर्जन्यास्त्र से बादल, वायव्यास्त्र से हवा, पर्वतास्त्र से पर्वत, इंद्रास्त्र से इंद्र की शक्ति, सब वज्रादि
ये दिव्य अस्त्र चलाए और उन सबको वशिष्ठ जी ने एक डंडा ब्रह्मदंड गाड़ दिया। उस ब्रह्मदंड से आके आगे टकरा करके सब दिव्य अस्त्र लौट जाते थे, जबकि सभी अस्त्र उनके सारे अस्त्र बेकार गए। तो उन्होंने कहा धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म तेज ही वास्तव में बल है। ब्रह्म दंड रख दिया आगे, उसके आगे सब अस्त्र बेकार हो गए। इस ब्रह्म दंड से भी बड़ा होता है जो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं गदा से भक्त की, और भक्त की रक्षा धर्मराज ने कहा है, तान्नोपसीदत छठवें स्कंद में तीसरे अध्याय में, तान्नोपसीदत हरेर गदया भिगुप्तान। अरे दूतो वहां मत जाना भगवान के भक्तों के पास, तान्नोपसीदत बोले क्यों, हरेर गदया भिगुप्तान, भगवान की गदा उनकी रक्षा करती है। छठवां स्कंद तीसरा अध्याय सत्ताईसवां श्लोक है, तान्नोपसीदत हरेर गदयाभिगुप्तान नैषां वयम् न च वयः प्रभवाम दंडे। मैं तो एक केवल धर्मराज हूँ, भगवान की आज्ञाकारी नौकर। वयः माने काम काल भी भगवान के भक्तों का रक्षा कर नहीं बिगाड़ सकता। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवा समदृशो भगवत प्रपन्ना। जो सब भगवत भक्त हैं, समदृशी समदर्शी हैं, भगवान के प्रपन्न शरण में रहते हैं, वहां नहीं जाना। तान ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो भगवत प्रपन्ना। तान नोपसीदत हरेर गदया विगुप्तान, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती है। नैषां वयम् न च वयः प्रभवाम दंडे। हम लोग यमराज धर्मराज भगवान के भक्त को दंड नहीं दे सकते। बोले अगर पाप करते हैं तो भी हम उन दंड नहीं दे सकते। ये एक बड़ा कीमती श्लोक है।
एवं विमृश्य सुधयों भगवत्यनंते। बोले चतुर लोग भगवान अनंत में भक्ति करते हैं। एवं विमृश सधि सुधियो भगवत्यनंते सर्वात्मना विदत्ते खलु भावयोगम। भगवान में सर्वात्म भाव की भक्ति करते हैं। ते में न दंड मरहंती, वे हमारे नरक में आकर के दंड नहीं पाते हैं। अथ यदि यमीशाम स्यात् पातकम तदपि हंत्युरुगाय वादः। अगर भगवान के भक्त से कोई पातक माने पाप हो भी जाता है तो उनको नरक नहीं भोगना पड़ता। उरुगाय माने भगवान का जो यज्ञ गुण गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, उसी से पाप जल जाता है, उनको नरक वरक नहीं भोगना पड़ता। इसलिए सुधी माने जिनकी अच्छी बुद्धि है, वो भगवान में सर्वात्म भाव की भक्ति करते हैं। सर्वात्म भाव मतलब तू ही माँ, तू ही पिता, तू ही गुरु, तू ही पति, संसार में कोई नहीं है, ये सर्वात्म भाव की भक्ति है। भगवान के लिए सब छोड़ देते हैं, स्त्री पुत्र पति माता पिता गुरु, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, ये सर्वात्म भाव की भक्ति है। एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनंते सर्वात्मना विदत्ते खलु भावयोगम। ते में न दंड मरहंति यथे अध्यमीशाम स्यात् पातकम तदपि हंत्युरुगाय बाधा। दूतों ने कहा तुम किसको लावे यहां पकड़ करके। जाओ तान आनयध्वम असुतो विमुखान मुकुंद पादारविंद विमुखाद। जो भगवान के चरणारविंद के मकरंद रस से विमुख हैं, तान आनध्वम असतो विमुखान विकुंद पादारविंद मकरंद रसाद अजस्रम। कैसे भगवान के चरण हैं, निष्किंच नहीं परमहंस कुलई रसज्ञई रजुष्टाद। निष्किंचन भक्त लोग जिनको पाते हैं, भगवान के सच्चे भक्त निष्किंचन होते हैं, उनको धन संपत्ति पैसा भोग नहीं चाहिए, रसज्ञ ही भगवत रस चाहिए, उनसे सेवित चरणारविंद हैं। जब भगवान में मन नहीं रहता तो गृहे निरय वर्तमान बद्ध तृष्णान, घर गृहस्थी में जो नरक का दरवाजा है, भगवान में मन नहीं है तो नरक के दरवाजा गृहस्थी में घर की आसक्तियों में उनका मन फंस जाता है। तो उनको पकड़ लाओ, भगवान के भक्तों को दंड नरक में नहीं मिलता है, ये धर्मराज ने निर्णय किया है।
अगर भक्त गिर गया तो भी उसको नरक नहीं होगा, उसका भजन ही उसको बचाएगा, उसके पाप को जला देगा। वशिष्ठ जी के उस ब्रह्म दंड के आगे सब क्षत्रियों के अस्त्र फेल हो गए और विश्वामित्र जी बोले, धिक बलम क्षत्रिय बलम, ब्रह्म तेजो बलम बलम, हम क्षत्रिय हैं, हमने इतने अस्त्र सिद्ध किए मंत्र वंत्र, लेकिन एक ब्रह्म बल ब्रह्म दंड के आगे सब फेल हो गया। अब मैं ब्रह्म तेज प्राप्त करूंगा, जाने कितनी बार इन्होंने तप किया, हर बार तपस्या गड़बड़ हो जाती थी, कभी काम से कभी क्रोध से कभी मेनका पर मोहित हो गए और उससे लड़की पैदा हुई शकुंतला, कभी किसी पर क्रोध कर दिया, जाने कितनी बार तपस्या किया लेकिन वो ब्रह्म तेज नहीं आया, क्योंकि तेज नष्ट हो जाता है इन चीजों से। आखिर में कब आया, ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर वशिष्ठ जी तुमको ब्राह्मण मान लें तभी ब्रह्म तेज आ सकता है। वशिष्ठ से उन्होंने द्रोह किया, उनके लड़कों को मार डाला इन्होंने गुस्से में, लेकिन वशिष्ठ ने इनको ब्राह्मण नहीं माना। बहुत दिन बाद जब वशिष्ठ को दया आई तब उन्होंने ब्रह्मर्षे कहा, ब्राह्मण माना। वो इसलिए माना कि गुस्से में कि हमको ब्राह्मण क्यों नहीं मानते हैं, आज वशिष्ठ की हत्या कर देंगे। रात को गए उनके चोरी से आश्रम में घुसे और ये अरुंधति के साथ लेटे थे, अरुंधति ने कहा, हे ऋषि कितनी बढ़िया चांदनी है। वो बोले, हाँ ये चांदनी इतनी चमक रही है जैसे कि विश्वामित्र का तप। प्रशंसा करने लग गए। उस बात को सुनते ही मान विश्वामित्र का मैल दूर हो गया कि तो हमारी प्रशंसा करते हैं, इनके मन में द्वेष नहीं है, ये वशिष्ठ हैं, संयमी हैं, जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है वो सच्चा संयमी होता है। ये सुनते मान ये दौड़ करके उनके चरणों में लिपट गए और उनका ब्रह्मर्षे उठो, बस उसी दिन से ब्राह्मण बन गए। वशिष्ठ की क्षमा से ब्राह्मण में क्षमा होता है, स्वाभाविक गुण होता है। भगवान ने भी ब्राह्मण के गुणों में और भक्त के गुणों में क्षमी शब्द का प्रयोग किया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणेव च निर्ममो निरहंकार असम दुख सुख क्षमी। और ब्राह्मण के भी
गुणों में ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो स्वाभाविक रूप से वशिष्ठ जी ने इनको क्षमा कर द्वारा ब्रह्मर्षि मान लिया। लेकिन ऐसे ही नहीं माना, बहुत तपस्या किया इन्होंने, तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र में ब्रह्म वशिष्ठ में बहस हुई, वशिष्ठ बोले सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र बोले तप बड़ा है, इसका निर्णय कौन करेगा? बोले शेषनाग भगवान जो पृथ्वी को धारण किए हैं, शेष जी के पास पहुंचे, और वहां जाकर के उन्होंने शेष भगवान से कहा, प्रभु हमारा एक निर्णय कर दीजिए आप। बोले क्या निर्णय है? शेष जी समझ गए लंबा झगड़ा है। बोले हम निर्णय तब करेंगे, हमारे ऊपर बोझ कितना है, सारी पृथ्वी समुद्र पहाड़ सब, तो हमारा ये बोझ हल्का हो जाए तब हम निर्णय करें। इसको कोई रोको? विश्वामित्र ने कहा कि हम अपनी तपस्या का तेज देते हैं, लाखों वर्ष तपस्या किया है, आप हटाइए अब पृथ्वी रुक जाएगी। जब उन्होंने हटाना शुरू किया तो धरती कांपने लग गई। बोले नहीं रुक सकती है। बड़ा आश्चर्य हुआ विश्वामित्र को कि हमने इतने साल तपस्या किया, घोर तपस्या किया, तो वशिष्ठ से कहा तुम रोक सकते हो? बोले हाँ ये तो रुक जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। बोले अच्छा। बोले दो घड़ी का सत्संग हम देते हैं, आप छोड़िए पृथ्वी। बोले सोच लो। बोले सोच लिया, हटाया उन्होंने, पृथ्वी रुक गई। शेष जी बोले, बोले क्या तुम्हारा प्रश्न है, अब हम निर्णय करेंगे। विश्वामित्र जी बोले तपस्या बड़ी है कि सत्संग बड़ा है? शेष भगवान बोले फैसला तो अपने आप हो गया, अभी कोई प्रश्न करने की जरूरत है क्या? सारी पृथ्वी कुछ क्षणों के सत्संग के बल से रुक गई, और तुम्हारी लाखों वर्ष की तपस्या कुछ नहीं हुई। इसने मुख्य बात है, सत्संग बड़ी चीज है। यही बात हनुमान जी के समय में हुई थी। भगवान कृष्ण ने जब गीता सुनाया था तो हनुमान जी ने ऊपर से सुना था बैठे बैठे। गीता सुनने के बाद हनुमान जी आए, भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु ये दिव्य ज्ञान अपने अर्जुन को दिया,
मैंने भी सुना, धन्य हुआ। बोले हनुमान तुमने कहाँ से सुना? बोले ऊपर से। बोले शास्त्र से विरुद्ध किया, ऊपर बैठ के नहीं सुनना चाहिए, जाओ पिशाच बन जाओ। तो पिशाच बन गए, सत्संग का आदर नहीं किया तुमने। सत्संग में इसीलिए व्यास को ऊपर गद्दी मिलती है, सबसे ऊपर मिलती है, सब लोग नीचे बैठेंगे, जो व्यास है ऊपर बैठता है। तो इसलिए पिशाच बन जाओ। वो बन गए। बोले प्रभु हम कब छूटेंगे इस पिशाच? बोले जब तुम भाष्य लिखोगे गीता के ऊपर ही, तब छूट जाओगे। तो पिशाच भाष्य लिखा है उन्होंने गीता के ऊपर, जो मिलता नहीं है। हिंदुस्तान के बहुत सी पुस्तकें, रावण संहिता, भृगु संहिता, ये पिछले जन्मों के सब रिकॉर्ड थे। कोई आदमी जान सकता है कि हमारा पिछला जन्म कहाँ था, अगला कहाँ होगा? ये सब संहिताएं मुसलमानों ने जला दिया। कश्मीर में सब ग्रंथ थे, जला दिए गए। तो इसलिए सत्संग बड़ा है। बहुत से लोग एकांतिक साधन को बड़ा समझते हैं, लेकिन वो गलत है। इसका निर्णय शेष भगवान ने किया है। इसको ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। सप्ताह है, प्रवचन है, ब्रह्म यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है। इसमें भगवान का, भक्ति का, सबका सम्मान होता है। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी।